नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूव किया और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब की मूवमेंट किस तरह से रही, इन सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, यहां पर हम जैसा कंटिन्यू देख रहे हैं 4-5 दिनों से कि बैंक निफ्टी देखिए यहां पर मतलब सेम हाई बना रही है और यहां पर भी जो है आज जो कैंडल बनी हुई है ये भी देखिए यहां पर जो है कोई खास ऊपर की मतलब जो लेवल था 30,950 का, 850 का, उसके ऊपर फाइनली क्लोजिंग नहीं दे पाई और फाइनली देखिए गैप अप ओपन होने के साथ कंटिन्यू आज मार्केट में गिरावट हमको देखने को मिली। तो देखिए मैं यहां पर बताऊंगा, यहां पर लॉजिक आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए हमने जो कल एनालिसिस करी थी उस एनालिसिस पे हमारा जो है कुछ ट्रेड बने या नहीं बने, या उन सपोर्ट से बाउंस बैक हुए या नहीं हुए, या जो मैंने आपको सेल के लेवल दिए थे या जो बाय के लेवल दिए थे उन लेवल ने काम किया कि नहीं किया। तो चलिए हम चलते हैं यहां पर 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में सबसे पहले हम यहां पर जो अपना रेजिस्टेंस लेवल यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहां पर रेजिस्टेंस लेवल अपना यहां पर ड्रॉ करता हूं, जो हमारा लेवल था वो 30,800 से 30,850 के आसपास का था, ठीक है। और हम यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस ट्रेंड लाइन से हम बार बार बाउंस बैक हो रहे हैं, तो वो ट्रेंड लाइन हम यहां से इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए अब जो है इसको हम बात करते हैं कि मतलब 15 मिनट के चार्ट में अब हमने खोल लिया है और यहां पर देखेंगे, अगर हम देखिए ये जो आज जो ओपन हुआ था मार्केट, तो वो गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के साथ ही मार्केट में जो है गिरावट देखने को मिली थी। तो मैंने देखिए कल आपको क्लियर कट बताया था कि अगर ये बताया था कि देखिए ये 30,850 का जो लेवल है ये एक सेलिंग का जोन है और यहां पर 30,600 के आसपास शायद, हाँ 30,600-620 के आसपास मैंने आपको बताया था कि एक बाइंग का जोन है। अदरवाइज आप इस अगर ट्रेंड लाइन पे आपको मिलता है तो ट्रेंड लाइन से यहां पर बाउंस बैक हो सकता है और ट्रेंड लाइन पर बाउंस बैक के बाद आप यहां पर जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मैं 5 मिनट के चार्ट में आप लोगों को लेकर चलता हूं और चीजें आपको जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ये हमारी 5 मिनट की कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है बड़ी सी देख रहे हैं। तो फाइनली देखिए जो आज मार्केट ओपन हुई थी वो ओपन हुई थी 30,920 के आसपास और देखिए 5 मिनट की कैंडल है ये, और यहां पर जो इसका लो लगा 5 मिनट की कैंडल का वो 30,810 के आसपास लगा। तो देखिए कल मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप होने के बाद यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो हम उस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग के लिए जा सकते हैं और उसके लो जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो देखिए यहां पर जो है सबसे पहली बात, तो यहां पर जो है ग्रीन कैंडल बनी नहीं, यहां पर रेड कैंडल बनी। दूसरा पॉइंट आप जानिए, यहां पर जो देखिए जो मैंने क्लोजिंग आपको बताई थी वो क्लोजिंग कम से कम 30,850 के ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद हम यहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। तो यहां पर जो क्लोजिंग देख रहे हैं वो 30,850 के ऊपर नहीं है, यहां पर 30,810 की क्लोजिंग है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, यहां पर देखिए यहां पर ये जो रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनने के बाद जो है यहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ पर फाइनली यहां पर इसका जो है 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मीन्स यहां पर ये प्राइस एक्शन जो है नीचे की तरफ हमका जो है मतलब यहां पर इंडिकेट हमको यहां पर कर दिया। तो ये था तीसरा पॉइंट। तो इन तीन पॉइंट के बेस में रखकर हमने यहां पर जो है सेल के ट्रेड अपने बनाए थे, 30,700 की पुट सेल की बाय की थी और जो है हमने 30,800 की पुट बाय की थी। ये पुट जो हमने बाय की थी ये आज हमारा जो है लाइव सेशन था स्टूडेंट्स लोगों के साथ, तो उन लोगों के साथ मैं देखिए उन लोगों को आज बताना था कि मार्केट मतलब किस तरह से चलती है, किस तरह से ट्रेड करती है मार्केट, हमको किस तरह से मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए, प्राइस एक्शन किस तरह से बनते हैं, कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए हमको अपने ट्रेड को कन्फर्म करने के लिए। तो उन लोगों के साथ जो है 2 घंटे का मेरा सेशन था, तो उन लोगों के साथ सेशन लगाया, बहुत मजा आया, उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने भी बहुत एंजॉय किया उन लोगों के साथ। तो देखिए ये आप लोगों को कल मैंने क्लियर कट बताया था कि 30,600 के आसपास से बाउंस बैक और जो है 30,850 के आसपास यहां से जो है आप जो है यहां पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये सेलिंग जोन है, ठीक है। अब मैं यहां पर देखिए ये ट्रेंड लाइन में दोबारा यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए हम यहां यहीं से ट्रेंड लाइन पकड़ लेते हैं, चलिए ये हमने यहां से जो है ट्रेंड लाइन जो है अपना कैच कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है। अब यहां पर हम देखेंगे कि और दूसरा देखिए मैंने आपको यहां पर ये लेवल दिया था, ये देखिए 30,600 के आसपास का मैंने लेवल दिया था कि यहां से बाउंस बैक हो सकता है। तो फाइनली अब देखिए यहां से हम जब गिरे तो गिरते गिरते कंटिन्यू हम जो है उसी लेवल के आसपास आए जहां से हमने बाइंग के लिए हमारा लेवल था। पहले तो हमारा यहां पर सेल का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर हम 30,850 के ऊपर जाते हैं तभी हम यहां पर सेल के लिए जाएंगे, ठीक है। तो हम फाइनली देखिए 30,810 पे क्लोजिंग हुई और प्राइस एक्शन यहां पर बना, हमारा सेल का ट्रेड एक्टिव हुआ, पहला ट्रेड तो हमारा यहां बना, ठीक है। दूसरा ट्रेड देखिए हमको यहां पर इस लेवल के आसपास मिला, दूसरा हमको यहां ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया। तो एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरा लेवल यहां पर ये देखिए हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट, तीसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 30,600-620 का जो लेवल है यहां से जो है बाउंस बैक हो सकता है, ये एक सपोर्ट लेवल है। फाइनली यहां से बाउंस बैक हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मैंने एक इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई थी कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम यहां पर जो है बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो है देखिए हमने अपना ट्रेड कहां पर बना लिया था, हमने अपना ट्रेड यहां पर एक रेंज बन रही थी, अगर आप 2 मिनट के चार्ट में जाकर देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यहां पर एक रेंज बन रही थी, ठीक है। तो ये एक रेंज थी, ये जैसी रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहां पर आपको
जो है कॉल बैंक करने के लिए दिया था, वहां यहां पर हमको 1:2 बहुत इजिली हमको यहां पर मिल गया था। अब तीसरा देखिए, हमारा यहां पर फिर सेल का ट्रेंड एक्टिव हुआ। कहां पर एक्टिव हुआ? अब मैं देखिए यहां पर चीजें ध्यान से देखिए, सीखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, देखिए सेल का ट्रेंड हमारा क्यों एक्टिव हुआ। यहां पर देखिए फाइनली एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहां पर जो है अपना सेल का ट्रेड एक्टिव किया। तो फाइनली आज हमने यहां पर 6 ट्रेड किए, 6 के 6 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल रहे। किसी ने 1:2 दिया, किसी ने 1:3 दिया, और किसी ने 1:1 भी दिया। सो मतलब 6 के 6 ट्रेड हमारे एक्टिव रहे। अब देखिए प्रॉफिट मैटर करता है, ठीक है ना। आप क्लोज में जो है रेड में क्लोज करें ये अच्छी बात नहीं है, आप ग्रीन में क्लोज करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट होता है। चलिए अब हम बात करेंगे कल के लिए कि हम कल को जो है किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आज के लिए बताया था वो सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से यहां पर काम करी हैं। तो अब देखिए अब हमको कल किस तरह से ट्रेड करनी है, उस चीजों को जरा ध्यान से देखिएगा, लेवल्स को ध्यान से सुन लीजिएगा। अदरवाइज फिर जो है मतलब लेवल्स को अगर आप ध्यान से देख के चलते हैं तो आप जो है पैसे यहां पर अच्छे बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे लिए जो सपोर्ट जोन है वो ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब यहां पर ये हमारा सपोर्ट जोन है और ऊपर ये जो है हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अब देखिए हम जो बुलिश होंगे वो 30,920 के ऊपर हम बुलिश होने वाले हैं, ठीक है। सेकंड देखिए हम बुलिश कब हो सकते हैं, अब मैं आपको चीजें यहां पर बताता हूं। देखिए यहां पर देखिए, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद यहां से भी बाउंस बैक हो सकती है। अगर यहां से बाउंस बैक नहीं होती है, कंटिन्यू रेड कैंडल बड़ी कैंडलें बनती हैं, तो यहां पर आने के बाद एक बार मार्केट बाउंस बैक होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए फर्स्ट बॉटम बना है, दूसरा बॉटम बना है, और तीसरा बॉटम बनने के बाद यहां ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन जाएगा। यहां से जो है हमारा जो बाइंग यहां से एक्टिव हो सकता है। सेलिंग कहां से एक्टिव होगी? सेलिंग एक्टिव होगी, देखिए यहां से मैं आपको चीज एक बता देता हूं, चीजों को ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के बाद मान लीजिए मार्केट यहां फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट यहां पर जा सकती है, जो आज का हाई लगा हुआ है 30,920 के आसपास का। तो जब 30,920 के आसपास जाएगी तो यहां पर एक हमारा डबल टॉप पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। पहला टॉप हमको यहां पर आज मिल चुका है, देखिए ये जो हाई लगा हुआ है ये कल के परसों से हाई से ऊपर का हाई लगा हुआ है। तो फाइनली जब आपको इस लेवल पर मार्केट मिले 30,920 के लेवल पर, तो यहां पर आप सेल का ट्रेड बना सकते हैं। बाइंग का ट्रेड देखिए हमको यहां पर बनाना है, ये जो हमारा 30,350 का लेवल है। देखिए चीजों को ध्यान से समझ लीजिए, लॉजिक को ध्यान से समझ लीजिए, ये जो हमारा 30,920 का लेवल है ये सेल का लेवल है, यहां से हमारी सेलिंग एक्टिव होगी। दूसरी सेलिंग के सेलिंग का लेवल है, जब ये लेवल ब्रेक होगा 30,620 का, या फिर जो आज का लो लगा हुआ है इसको हम अगर देख सकते हैं, ये अगर लेवल ब्रेक होगा तो ये हमारा सेल का जो है ट्रेड यहां पर एक्टिव हुआ। तो अब दोबारा सुन लीजिए, ये ऊपर का जो लेवल लगा हुआ है 30,920 का, यहां से हमारा सेलिंग का ट्रेड एक्टिव होगा। दूसरा, यहां मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो यहां से हमारा जो है सेल का ट्रेड एक्टिव होगा। अब देखिए गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है। मान लीजिए मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन होने के बाद यहां पर मेरा कर्सर देखिएगा, यहां कहीं आसपास जो है मार्केट ओपन होती है 30,450 या 30,420 के आसपास, तो यहां से मार्केट में भी थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर यहां से बाउंस बैक कर सकती है, बिकॉज यहां पर ट्रिपल बॉटम पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। ये तो था गैप डाउन के लिए। मान लीजिए यहां से मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, तो गैप अप अप होने के बाद यहां 30,920 के लेवल पर ये जो हमारा सेल का ट्रेड एक्टिव होगा। तो लेवल मैंने आपको बता दिया है, चीजों को ध्यान से ट्रेड करिएगा, बहुत इजिली पैसे बनते हैं यहां पर। देखिए अगर आपको कुछ यहां पर टेक्निक आती है, कुछ स्ट्रेटेजी आती है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो आप यहां पर बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास आकर सीख सकते हैं। हम आपको वो चीजें सिखाएंगे, वो चीजें बताएंगे जो शायद आपको यहां पर मार्केट में कोई नहीं बताता है, ठीक है। बहुत आसान चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इसको सीखिए जरूर, मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, किसी से भी सीखिए, बट सीखिए जरूर, सीखकर ट्रेडिंग करिए। विदाउट नॉलेज के ट्रेड मत करिए, यहां पर अपना पैसा बेमतलब का अपना वेस्ट मत करिए, ठीक है ना। सीखिए, सीखने के बाद ट्रेडिंग करिए। देखिए हम अगर मान लीजिए हम एक नौकरी के लिए जाते हैं, तो हम उस नौकरी को पाने के लिए हमने कम से कम 15-20 साल पहले पढ़ाई की होती है। 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद जाके हमको 30,000, 40,000, 50,000 की नौकरी मिलती है। तो हम यहां पर ऐसा क्यों सोचते हैं कि आज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खुला और कल से हमारा प्रॉफिट बनना चालू हो जाए? ऐसा नहीं होता है। देखिए ऐसा क्यों नहीं होता है, मान लीजिए यहां पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, तो यहां पर एटलीस्ट आप कम से कम 6 महीने तो दीजिए मार्केट को, आप 6 महीने सीखिए। जैसे वहां पर आपने 18 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद जो है आप गए हम नौकरी के लिए, तो यहां पर भी आप जो है 5 महीने 6 महीने 3 महीने सीखिए। सीखने के बाद उसके बाद फिर यहां से पैसा कमाना चालू करिए। जैसे आप नौकरी में जाके पैसे कमाएंगे, उससे अच्छे पैसे आप यहां कमा सकते हैं, ये एक बेस्ट करियर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो चलिए ये जो हमारा पहला जो हमारा स्टॉक है वो देखिए एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक देखिए अभी अपनी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर की जो रेंज है वो 630-40 की है और जो नीचे की रेंज है वो 590 की है। तो ये 50 पॉइंट का ये अभी रेंज बना हुआ है, रेंज को ब्रेक होने दीजिए, इसके बाद हम एक्सिस बैंक में ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक।
तो बंधन बैंक भी देखिए जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक ये बुलिश है। फिलहाल अभी मेरे को टूटता हुआ नहीं दिखा। आज ये टूट भी सकता था क्योंकि यहां पर जो पैटर्न बना था, यहां पर देखिए इनसाइड कैंडल पैटर्न बना था और ये जो आज का जो लो लगा है वो कल के लो का सेम ही है। तो यहां पर अगर कल आपको ये 407 के नीचे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे तो यहां पर 407 के लिए आप ट्रेडिंग जो है यहां पर ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए HDFC बैंक। तो फाइनली देखिए कल मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के जो है बाहर एक कैंडल ने क्लोज कर दी है और जो कैंडल बनी हुई है वो हैमर कैंडल बनी हुई है। तो आपको मैंने 1390 रुपए के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया था 1410 के टारगेट के लिए। तो फाइनली देखिए 1410 का टारगेट हमारा आ गया आज और 1416 का जो है हाई लगा है। अब हम यहां पर कल क्लियर कट बाइंग कर सकते हैं 1415 रुपए के ऊपर। 1415 रुपए के ऊपर निकलता है तो हम यहां पर 1430 के टारगेट के लिए हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था ये कंटिन्यू, अब मैं देखिए यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए अब यहां पर हमने एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली है। अब ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक होगा तो हम यहां पर सेल के लिए जा सकते हैं और बहुत छोटे से टारगेट के लिए फिलहाल, ठीक है, फिलहाल हम बहुत छोटे टारगेट के लिए जाएंगे। बिकॉज देखिए अब हमारे लिए जो सेल का ट्रेड एक्टिव होगा आईसीआईसीआई बैंक में वो 460 रुपए के, 465 रुपए के नीचे होगा। जब ये 465 रुपए के नीचे क्लियर कट क्लोजिंग दे देगा फिर हम यहां पर सेल साइड का ट्रेड लेकर लॉन्ग कुछ देर तक हम यहां पर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए फाइनली एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। रेंज को ब्रेक होने दीजिए, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक हो चाहे नीचे की तरफ ब्रेक हो, ब्रेकआउट होने के बाद हम यहां पर ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के बाद देखिए यहां पर जो है टारगेट हमारा जो होगा तो इस रेंज का जो भी गैप है यहां देखिए 940 रुपए और नीचे जो है 910 रुपए, तो 30 रुपए के टारगेट के लिए हम जाएंगे। ये चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक हो चाहे नीचे की तरफ ब्रेक हो हमारा टारगेट 30 रुपए होगा। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो देखिए मैंने कल आपको बताया था कि कोटक बैंक ही मेरे को सभी बैंकिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और फाइनली अगर आप देखेंगे तो HDFC और कोटक बैंक ने ही मतलब जो है आज ग्रीन में क्लोज हुए हैं। RBL बैंक ने भी थोड़ा साथ दिया था बट मतलब इतना जबरदस्त नहीं चल पाया और 2% की मूव मतलब इसमें भी हुई है। मतलब सबसे ज्यादा मूव देखा जाए तो RBL बैंक में ही आज हुई बट मतलब जो हम जिसको प्रेफर करते हैं जैसे मतलब HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और SBI, एक्सिस बैंक, तो ये 6 बैंक को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इनमें से मतलब जो है मतलब जो सबसे अच्छी मूव मेरे को देखने को मिली है वो कोटक बैंक में देखने को मिली। मीन्स ये 1.5% का जो इसने आज जो हाई लगाया है। तो मैंने कल यहां पर बताया था कि देखिए 1950 के ऊपर की जो है क्लोजिंग हमको मिल चुकी है। अब यहां पर हम जो ऊपर के लिए जा सकते हैं तो फाइनली यहां पर अभी हम हमारा व्यू ऊपर की तरफ का ही है। अगर आप कल यहां पर ट्रेड करना चाहते हैं तो 1965 रुपए के ऊपर आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। 1980 और 2000 रुपए हमारा यहां पर टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा RBL बैंक। तो RBL बैंक ने देखिए कल मैंने आपको बताया था कि ये जो यहां पर हैमर कैंडल बनी हुई हैमर कैंडल के ऊपर हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो आज का जो हाई लगा हुआ है वो हाई लगा है 244 का। बाइंग के लिए मैंने आपको बताया था 237 रुपीज के ऊपर। तो फाइनली मैंने यहां पर आपको 242 और 245 के टारगेट दिए थे तो फाइनली ऑलमोस्ट हमारे टारगेट यहां पर अचीव हो गए हैं। अब देखिए यहां पर जो आपको फ्रेश बाइंग करनी है वो 246 के ऊपर करनी है। 246 के ऊपर अगर RBL बैंक निकलता है तो इसमें आप 250 और 253 रुपए के लिए जो है टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अभी कुछ मत करिए, अभी इसको रेंज से बाहर निकलने दीजिए। रेंज इसकी ऊपर 275 रुपए और नीचे जो है 265 रुपीज है, 10 रुपए की रेंज है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा हम 10 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर जाएंगे। देखिए बाकी यहां पर चीजें जो भी है मैं आपको सारी चीजें टेलीग्राम में बताते रहता हूं। देखिए अब मैं बात करूंगा निफ्टी बैंक के चार्ट की, तो मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूं और यहां पर आपको बताता हूं कि किस तरह से हमने जो है ट्रेडिंग यहां पर करी थी। तो देखिए ये जो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि यहां पर जो है अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ऊपर अगर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे। तो यहां पर फाइनली बाइंग एक्टिव नहीं हुई, सेल एक्टिव हुआ क्योंकि यहां पर देखिए प्राइस एक्शन ने जो है नीचे की तरफ मूव किया तो पहला ट्रेड हमारा यहां पर एक्टिव हो गया। दूसरा ट्रेड देखिए मैंने यहां पर आपको बताया था कि ये 30,620 का जो लेवल है सपोर्ट लेवल है, यहां से बाइंग देख सकते हैं। तो दूसरा ट्रेड हमारा यहां पर एक्टिव हुआ। तीसरा ट्रेड की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में मैं जो इस तरह से मैंने आपको एक चार्ट मैंने पोस्ट करा था, मैं आपको करके बता देता हूं। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन बताया था आपको कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो हम यहां पर जो है छोटे से टारगेट के लिए बाइंग के लिए जा सकते हैं। और फाइनली यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो नीचे एक रेंज बन रही थी और वो रेंज का मैंने चार्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट किया था कि रेंज का जिस तरह भी ब्रेकआउट होता है हम उस तरफ को जो है जाकर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को चीजें बताते रहता हूं, समझाते रहता हूं, ठीक है ना। अगर आपको मतलब आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। वहां पर इंट्राडे के चार्ट मैं कंटिन्यू पोस्ट करते रहता हूं, बताते रहता हूं कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी कौन से सपोर्ट
सपोर्ट पे मार्केट काम कर रही है, कौन से रेजिस्टेंस पे है, कहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, या मैंने कौन से ट्रेड लिए, वो सारी चीजों की चर्चा वहां पर करते रहता हूं। तो आपको वहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। सो टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करिए। देखिए टेलीग्राम चैनल से आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें जो है ड्रॉ करने में आप लोगों को बहुत मदद होने वाली है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल को।